लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कालम खगे मृगीय नगः सिद्ध देव महाशिवा कालम समान वर्धन्ते यतो भाव युगे युगे। इसका मतलब है ऋषि मुनि और देवताएं, पक्षी और समुद्र के जीव, ये सभी समय के साथ बदलते हैं, लेकिन आकाश को कोई नहीं बदल सकता। अगर ऐसा है तो नश्वर मनुष्य के रूप में हम इतने जिद्दी क्यों हैं? जो सोचा अगर वो नहीं हुआ तो जो हुआ था उसके बारे में सोचकर क्यों चिंता करता है? मैं अक्सर आदित्य से बोलती थी, बचपन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साधारण खिलौने की वॉच पहनता था, उसमें से टाइटन में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। नई वॉच मिलने पर वो पुरानी वॉच को किसी को देता भी नहीं और फेंकता भी नहीं। अभी भी उसके रूम में पुरानी वॉच को दीवार पर कील मारकर लटका कर रखा हुआ है। उसमें वो खिलौने की वॉच है। जो चीज उसे पसंद आ जाती है उसके लिए जिद करता है। आश्चर्य की बात है, इतने छोटे बच्चे में इतनी सारी क्वालिटी। हाँ, और भी एक हैरानी की बात है, कॉलेज जाने के लिए उसने गाड़ी मांगी। ठीक है, घर में जो कार है उसमें से जो पसंद है वो लेकर जा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे बाइक ही चाहिए या BMW शोरूम में अपना रशीद है ना, लेटेस्ट मोटर बाइक, वो कराने के लिए कह दिया उसे। आदित्य ने कहा, नहीं मुझे बुलेट चाहिए, वो भी अपने दादाजी की बुलेट चाहिए। और इस बात के लिए उसने जिद पकड़ ली और उसी बुलेट में कॉलेज जाया करता था। उसके घर छोड़े 80 दिन हो गए, उसके बारे में हम बिना सोचे जी रहे हैं क्या? 800 दिन भी हो गए हो तो क्या हुआ, आई डोंट केयर। उसकी कोई ग्रेट लव स्टोरी नहीं है, मैं क्या करूं इसमें? मां, 80 दिन नहीं हुए, पूरे 82 दिन हो चुके हैं उसे घर से निकालकर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, लाइफ के अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम डीपली जाएंगे तो सिर्फ 0 हासिल होगा, और तुम्हारा भाई उस 0 के बहुत ही करीब है। मूर्ति, गाड़ी स्टार्ट करो। ए पागल, ये मेरी नाइटी है। बदतमीज। की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे। ओके। वन सेकंड। ए रुक, मैं करता हूँ। रुको तो। ए, मैं करता हूँ। करती हूँ ना, रुको। इतनी भी क्या जल्दबाजी है? ए, काटो मत। ए, रुको।
फियांसे, आई थिंक ही इज एट द डोर। वो ऐसे अजीब गाने क्यों गा रहा है? ओहो, अब ये जरूरी है क्या? प्लीज गो ना। ए, शट अप यार, दो मिनट में हो जाएगा। लिसन, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द मूड। फर्स्ट टाइम वो और मैं अकेले में मिलने वाले हैं। प्लीज गो ना बेबी। इट्स ओके बेबी, अपना भी तो फर्स्ट टाइम है ना, वो वेट कर लेगा। डोंट वरी। प्लीज लीव। आई सेड लीव मी। लीव मी? गो। उतार। मिमी मिमी क्या कर रही है? उतार। मैंने बुलाया था, तूने बुलाया था ना, मूड बनाकर जाने के लिए कहेगी तो कहाँ जाऊंगा? थकती है ये। डार्लिंग। हाँ लेखा। हेलो सर। तुमने बोला था ना मेरा सेमिनार मिस किया था। हाँ। अभी आओगी? एड्रेस दूं क्या? Shall I come to the seminar hall, sir? Hey, no, 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 मेरे फ्लैट पर आना है, ओके? Idiot. हाँ बोल भाई। ए पार्थिव। जरा मुंह खोलिए। उस दिन तेरे क्लिनिक पे आया था तब एक लड़की ने मुझे देख के कहा था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, याद है क्या? हाँ दीप्ति है, मेरी फैमिली फ्रेंड। क्या हुआ? बुलाऊंगा तो फ्लैट पे आएगी क्या? फ्लैट में? ए भाई मेरी बात मान, शांत रहे, पता चलेगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ए ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आएगी या नहीं? ए उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, नेक्स्ट ईयर उसकी शादी है, समझने की कोशिश कर। ओ नेक्स्ट ईयर ना, अभी बुलाऊंगा तो आएगी। ए ए आएगी या नहीं? ए मेडिकल साइको, दिन बे दिन तू इतना चीप बिहेव कर रहा है। नहीं आएगी वो लड़की, तो अपनी हरकतें बंद कर और स्मीरा को भूल जा। क्या कर रहे हो? मैं देता हूं ना। ऑटो। हे, अरे ये क्या भाई, तुमने ऑटो में शुशु कर दिया? डायपर ओवरफ्लो हो गया यार। क्या कहा? डायपर? अरे जब आता है तुम्हें पता नहीं चलता क्या? सुबह सुबह गाड़ी को गंदा कर दिया। छी। सुसु किया होगा। मीरा। मीरा। ए मीरा क्या खा रही हो? इडियट, मुंह खोलो अपना। क्या खा रही हो? चिकन खा रही हो? थुको थुको, बाहर निकालो। किसने दिया चिकन तुम्हें? सर कुत्ते चिकन खाते। सर महेश्वरी, तुमसे कितनी बार कहा है इसे कुत्ता मत कहो। सॉरी सर। मीरा ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है क्या? इसका शिट वेट भी मैं ही क्लीन करता हूँ ना। हाँ। तो फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों? चिकन कब से खाना शुरू कर दिया? वेज से नॉन वेज बन गए। इसने कहा था क्या आपसे? इसने कहा था क्या? हाँ बोली, जाओ जाके अपना काम करो। क्या करती है मीरा? पागल। ए, तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कुराहट और हंसी गायब कर दूंगा। देख रही है मीरा, ये हमें देख के कैसे हंस रही है। दीपा आज 4 hours की सर्जरी है, जरा सावधान रहना। ओके। और डांट मत खाना। हाँ गुड मॉर्निंग सर। शेर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आजा आजा आजा। सॉरी। This is a classic case of angular malunion of the femur. चाचा आप भी सुनिए, आपके लिए भी है। जैसे स्किन कटने के बाद ठीक हो जाती है, वैसे हड्डियां भी हो जाती हैं। पिछली बार फ्रैक्चर हुआ था तब एक लोकल डॉक्टर की मदद से आपने क्रीप पट्टी लगाई थी, ये ठीक नहीं है। ओके इससे हड्डी ठीक तो हो गई लेकिन एक गलत एंगल में। ओके इसकी वजह से आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो गई और आपको दर्द भी हो रहा है।
तो अब हम एक काम करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे, जो एक्सेस है उसे काट देंगे और इसे स्क्रू से स्ट्रेट फिक्स कर देंगे। ओके डॉक्टर, सर्जरी तो पैर में करना है मगर शेविंग हर जगह कर दिया, चाकू इधर उधर तो नहीं लगाएगा ना। तुम लोगों ने ये पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था क्या? अब किया है सर। चाचा ये प्रोसीजर है, ये कोई टेंशन नहीं है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो पिचे नहीं साफ करते, पूरा ग्राउंड साफ करते हैं ना, वैसा ही समझ लीजिए। ओके कुछ टेंशन अच्छा, नहीं ओके यू विल बी ऑल राइट। तो अब उस पेशेंट का मामला सेटल हो गया क्या? हो गया सर। बेड नंबर 18 के लिए ओटी रेडी करो। सर उनके ज्योतिष ने कहा था आज का दिन अच्छा नहीं है, तो सर्जरी कल कर सकते हैं। मैं कल नहीं आने वाला, मुझे कल मीरा को पार्क में लेकर जाना है। तो फिर कैसे सर? कैसे का क्या मतलब है? पेशेंट से जाकर कहो कि पहले उसे सेप्टिक हो चुका है, अगर आज ऑपरेशन नहीं किया तो उसके पैर के साथ कुछ और भी काटना पड़ेगा। ओके दीपा तुम ओटी तैयार करो। ओके सिस्टर। सर एमओ ने लॉग बुक में एंटर करने से मना किया है और पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सर। ये लॉग बुक का झमेला फिर से क्यों आ रहा है? डोंट ब्रिंग दिस शिट टू मी तुलसी, यू गो हैंडल इट योरसेल्फ यार। ओके सर। रॉबर्ट फॉर विडल एट फुल पेल्ट and pretty close with another minutes of the half. Ronaldo twisting, Ronaldo shot! Boys, sorry, huh? कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो। Enjoy the show, आदि। तरुण, कट कहाँ हुआ? ये इधर। और कहाँ? ये संभाल कर, अपने हाथ से ढक। अगर अंदर गया तो अंदर का हिस्सा जल जाएगा। फिर तेरे लिए चड्डी पहनने में भी बहुत तकलीफ होगी, याद रखना। तुमने कैसे मेडिकल कॉस्ट हो यार? फर्स्ट एड किट बैग लानी चाहिए थी ना? ए चश्मेश, हमें क्या सपना आया था कि सर फुटबॉल मैच में पार्टी करने वाले हैं? इस वक्त सेंट पैट्रिक्स लीड कर रहे हैं और इस वक्त अजय आ चुके हैं इक्वलाइजर करने। देखते हैं वो ये गेम का मार के मुंह फोड़ दे कमीने का। और ये गोल गेम का रुख बदल सकता है। ऐसा है क्या? तू गोल करके दिखा। तूने गोल किया ना शहर के बीच बिना कपड़ों के भागूंगा। आजा, दिखा कितना दम है। कम ऑन, गोल कर। कम ऑन। आदि मार करके जा। एए, आदि बाहर बेचा तू। कमान चल मार 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 चला जा। पागल, उसे क्यों पकड़ रहा है बे? आदि चल चल आदि बात सुन। आदि 3 मिनट और वेट कर, ट्रॉफी हमारी है। वो रेफरी तुम्हें भगा रहा है, रेफरी को पटाया गया यार। आदि समझा कर प्लीज। कमान बॉयज कमान चलो। चलो 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 च
क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया, क्या बात, शानदार, मजा आया, बहुत बढ़िया। मैच खत्म होने में 3 मिनट बाकी है, इस बार भी ये कप हमारा ही होगा। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। पार्थिव जरा जरा वहां देख लो, आदि पीछे दे, आदि पीछे दे, आदि पीछे। हे तरुण, मेरे लिए जाकर इस ग्राउंड का गेट बंद करके आना प्लीज यार। आदि नो, कमीने अंकल, वो नीचे रख। मेरे भी सिक्स पैक है, पता है क्या? हे आदि, तूने जैसे गाली दी वो आदमी पता है कौन था? हमारे स्टेट का फुटबॉल कन्वीनर। तुमने तो उसे इतनी इज्जत दी कि उसे गूज़बम्स आ गए होंगे। कप रखकर सीधा रास्ता पकड़ के चला गया। वो जानता था कप हमारा है, इसलिए वहीं छोड़ के चला गया। ये जरा पानी देना। आदि, डीन तुम्हें बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल न्यू स्टूडेंट्स। 100 साल के पुराने इतिहास के इस कॉलेज में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? और ये जो कॉलेज है, कम इन। दिस इज डॉक्टर आदित्य वर्मा, वन ऑफ आवर हाउस सर्जन। आप सभी छात्रों को इनसे जरूर मिलना चाहिए। He's topper of the college, topper of university, and topper of the board. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सेंट पैट्रिक के उन कुछ छात्रों में से एक हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही उम्दा है। लेकिन एंगर मैनेजमेंट में शून्य। He is a classic example आप सबके लिए। मेडिकल प्रोफेशन में जो इंसान गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक सर्जिकल ब्लेड की तरह मर्डरर के समान है। चीजों को नापसंद करना, गुस्सा करना, रश ऑफ ब्लड, एड्रेनलिन, ये सब कुछ एक आम इंसान के लिए स्वाभाविक बात है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को इग्नोर करोगे, तभी आप पेशेंट को बचा पाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो यह डिग्री बेकार है। एकेडमी में कम मार्क्स बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर, पूरे मैच का वीडियो है सर, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूं। एक्चुअली उसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं कुछ देखना चाहता हूं। गेट आउट। ये तो चुप कर यार। आप बोलिए सर। आदित्य, आई एम वेरी डिसअपॉइंट विद यू आदित्य। क्या तुमने कॉलेज के रेपुटेशन के बारे में सोचा? ठीक है, तुम स्पोर्ट्स बोर्ड को एक माफी की चिट्ठी लिख कर दो और एक चिट्ठी इस कॉलेज के लिए भी मेरे एड्रेस पर भेजो। और मैं उनकी फोटोकॉपीज देखना चाहता हूं तुम्हारे सिग्नेचर के साथ नोटिस बोर्ड पर। तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। तुम अगर चाहो तो कॉलेज छोड़कर जा सकते हो।
फुटबॉल इज अ वायलेंट स्पोर्ट सर। इस गेम का ऑब्जेक्टिव है ओपोनेंट की गोल पोस्ट में गोल करना और ओपोनेंट को हम पर गोल करने से रोकना। दैट्स द फुटबॉल आई नो। तुम मुझे रूल्स सिखा रहे हो? नहीं सर, मैं तो रिजर्वेशन बता रहा, आप सुनेंगे? सर इस गेम में ब्लडी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक जंग जैसी वॉर लाइक फील होती है इसमें, और उस फीलिंग की वजह है ये कॉलेज। मैंने कॉलेज के बारे में बहुत सोचा सर, बहुत सोचा, और इसीलिए मैंने अपने गुस्से को काबू भी किया। लेकिन आंखों के सामने अगर कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता सर, वरना मेरा चुप रहना आदत बन जाएगी, सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं लाइफ में भी। तो तुमने कौन सी आदत डाली है? लोगों को मारने की? तुम किसी भी इंसान पर हाथ नहीं उठा सकते। दैट फाइट गेव मी ब्लडी सैटिस्फैक्शन सर। उसके सामने आपके ये प्रिंसिपल्स और चैंपियनशिप खोने का डर, इट्स नथिंग। मैं 3 मिनट और टाइम पास करता, फिर फेलिसिटेशन फंक्शन में प्राइज मिलता यहीं पर। बट दैट्स नॉट मी, मुझे इसकी जरूरत नहीं, कॉलेज को इसकी जरूरत नहीं। एंड फ्रैंकली सर, आई डोंट केयर। मेरी बात सुन पार्थिव, इन्हें वो वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे देखने का इनका इरादा नहीं है। एंड आई एम नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज सर, नॉट अ मर्डरर विद अ हैंड ब्लेड। मैं इसी वक्त कॉलेज छोड़ रहा हूं। तो तुम कॉलेज छोड़कर जा रहे हो? आखिर गुस्से से जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो तुम? आप समझ नहीं पाएंगे सर, आप इस कॉलेज के डीन हैं, एन एम्प्लॉई डूइंग हिज ड्यूटी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं, ये मेरा कॉलेज है। शो सम ब्लडी रिस्पेक्ट ऑफ द चैंपियन। हेलो मैम। सो यू प्रिपेयर टू लीव द कॉलेज? यस मैम। आदित्य, क्या ये सच में जरूरी है? Can't you write an apology? ठीक है, NOC papers ready हैं, डीन से जाकर साइन करवा लो। डीन पेरेंट्स के साथ मीटिंग में है, तुम्हें 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। ऑल राइट। अरे पूरा यकीन है वो सलमा थी। क्या करोगे? हाँ? चाय।
भाई, पिंक कलर चूड़ीदार वाली लड़की को देखा? वही है वो, बहुत सुंदर है ना। लगता है वो लड़की एम्बेरेसिंग फील कर रही है यार। ए, तुझे देखकर ऑलरेडी एम्बेरेस है, चल निकल। क्या यार, चल गई क्लास है। क्या? ए, जाना। कौन सी लड़की है वो? पिंक कलर की ड्रेस वाली लड़की को देख रही हो ना, वही है। क्यूट है ना। ए बच्ची, चलो उठ जा। नाम क्या है तेरा? मीरा। फुल नेम? मीरा शेट्टी। शेट्टी मैंगलोर? सेटल इन चेन्नई बट शी इज फ्रॉम पुत्तूर, 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ओ ए, नाम क्या बताया? ए बच्ची, सर नाम पूछ रहे हैं ना, तो बता। मीरा। अच्छी है ना, ये भी लट्टू हो गया था इस पे। हाँ पापा। आदित्य, हमारे मैनेजर सुंदर है ना, उनकी कजिन डॉटर ने तुम्हारे कॉलेज में ज्वाइन किया है। हमारे कॉलेज? हाँ बेटा, और तेरा कॉलेज तो रैगिंग के लिए फेमस है ना। तुमने डर लग रहा। हाँ बेटा, वो बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन करने के लिए कहा। ठीक है, मैं देख लूंगा। पापा, हाँ, फुटबॉल मैच कैसा रहा, पूछिए। अरे हाँ, तेरा भाई पूछ रहा है फुटबॉल मैच में क्या हुआ। थोड़ी सी लड़ाई हुई, मैंने थोड़ा मारा। क्या हुआ, ये क्या कह रहा है तू? 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया? घर पे फॉर्मल लेटर भेज देंगे, इग्नोर कीजिएगा। ओके ठीक है। आदि, क्लासरूम में जाकर जो सीन क्रिएट किया ना, लगता है उस लड़की ने अपने पिता से शिकायत कर दी है। वो आदमी ओपीडी में चला गया। और आदित्य वर्मा कौन है? आदित्य वर्मा कौन है, बकवास कर रहा है वो। हाँ तो तू ऑलरेडी सस्पेंड है यार, तुझे सच में ये सब चाहिए यार? डिग्री खत्म करना ही अपने आप में सर दर्द है। वो क्या है रे? हाँ आदि, उसने तुम्हें देखा नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये लड़की पागल है क्या? व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर किया हो, ऐसे अपने बाप को लेकर यहाँ आ गई। ए, मैं आदित्य वर्मा हूँ। डॉक्टर होकर स्मोक करते हो? 690 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, 4 कैंसर फैक्टर्स, 40 COPD डिजीजेस में जानता हूँ, पर स्मोक करता आदत है। तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन वो पूछेंगे तो झूठ नहीं कहूंगा। ओके, आई एम मनोहर शेट्टी, तुम्हारे फादर के मैनेजर सुंदर, उनका फर्स्ट कजिन। ओह अंकल शेट, आई एम सो सॉरी। या पापा ने बताया था आपके बारे में, ख्याल रखने को कहा था। शी इज माय डॉटर मीरा शेट्टी। हाय मीरा। एक ब्रदर की तरह इसकी देखभाल करना। नो 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 नो, आई कांट बी अ ब्रदर, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो इमोशन कैसा होता है। अधिकार जमा कर इसे मार सकता हूं अगर इसने कम मार्क्स लाए। शी विल बी अ जूनियर, आई विल बी अ सीनियर। ओके, कोटा से आई हो? रैंक होल्डर। ओह, तुम किस कोटे से हो? मैनेजमेंट कोटे से ना? के सेट में 17th रैंक। ओह, एम सेट में 26th। मैंगलोर बहुत पसंद है, इसीलिए ये कॉलेज सेलेक्ट किया मैंने। ओके अंकल, तो फिर मैं चलता हूँ, यू टेक केयर। आपसे मिलके अच्छा लगा, आई विल सी यू, बाय मीरा। चलो चलते हैं। अंकल, डोंट वरी, मैं संभालूंगा। ए, वो इधर आ रहा है क्या? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। अरे ये कहाँ जा रही है? पता नहीं। हे व्हाट यार, अचानक खींच रही है। आदित्य सर, क्या ओ, वो देख। अरे हाँ, सच में, चले देखते हैं। यहाँ का कैंपस कैसा है? अच्छा है। खाना वाना ठीक है? अच्छा है। गुड गुड। हॉस्टल अच्छा है? अंताक्षरी खेल रही थी। हाँ। तुम्हारे पापा चले गए? हम्म।
किसी ने नहीं देखा। क्या किसी ने भी नहीं देखा? ए, हम लोगों ने भी नहीं देखा। जाओ अंताक्षरी खेलो। सही जा रहा है यार, सुबह मिला शाम को मामला फिट। गुड मॉर्निंग सर। मीरा, यू गो बैक। मीरा, ये नॉर्मल डिग्री नहीं है, MBBS है। कॉलेज में ज्वाइन होते ही यहां से तैयार होना चाहिए कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं। और वहां क्या कर रही हो तुम? फोकस ऑन द बोर्ड। बैक। यू यू सी दीज फैट चिक्स, दे लाइक टेडी बेयर्स। वो काफी वार्म होती हैं, काफी लॉयल होती हैं। नॉर्मली दो लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, पर एक खूबसूरत लड़की और एक मोटी लड़की, गुड लुकिंग चिक एंड अ फैट चिक, deadly combination. Trust me, this friendship will work. तुम्हारा नाम क्या? रागिनी। रागिनी, मीरा, मीरा, रागिनी। Friends बन जाओ, okay? मैं हॉस्टल में बात कर लूंगा। Roommates बन जाओगी, okay? आज कौन सी क्लास है? प्रभाकर सर की anatomy. टॉपिक क्या है? Hand. ठीक है, मेरे साथ आ। मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो तुम्हें बता दूंगा और खुद भी रिवाइज कर लूंगा। कम व्हाट? मीरा, आज का टॉपिक क्या है? क्या हुआ मेरा? अपर थोरैक्स। ओके। पकाना बंद करो। पार्थिव, फिर से कॉल करके देखना। क्या प्रॉब्लम है तुझे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं है क्या? तूने जन्म लिया है या कूदी मार के आया है? ए, एक बार ट्राई करना, शायद जवाब दे देगी। करके तो देख। ए, मैंने उसे फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया, ये देख। क्यों नहीं उठा रही है यार? ये ले, फोन करके खुद ही पूछ ले। अरे वैसे नहीं यार, अगर वो निकल गए होंगे तो 5-10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए ना। ए, मैंने तेरा नाम लेके फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर दिया, कोई भी उसके पास में नहीं जाएगा। अब तू भी परेशान मत कर। ए, उस लड़की को सबसे पहले कलर तू ही लगाएगा। ये सरप्राइज था तेरे लिए, लेकिन तूने टॉर्चर किया ना इसलिए। फटेला ढोल, तूने सब बता दिया क्या? ए, मेरे सर पे बैठ करके मुझसे सवाल पूछ रहा था। 7 बियर पी चुका हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं चढ़ रही है। ब्लडी क्वेश्चन बैंक। तुझे चोट कैसे लगी? अरे यार, जस्ट छोटी सी चोट है। बियर चाहिए क्या? कहीं घुसा दी होगी। अरे दरवाजे से टकरा गया था। उस दरवाजे का साइज 5 फीट और 2 इंच होगा। हा? शॉर्ट हेयर, एक जीन्स के साथ 7 बार कुर्ती बदलती है। आदि, अभी गर्ल्स हॉस्टल से आ रहा हूँ। मैंने मीरा को देखा, वो व्हाइट ड्रेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में। ठीक है, मैं उसके हॉस्टल जाकर आता हूँ। तू जा मेरे बाप। ए, राघव सर। हाँ? ए, आदि, व्हाट्स अप सर? गुड टू सी यू। सर, राघव सर। ए, पार्थिव, तू तो पूरी तरह बदल गया। कैसा है तू? आई एम गुड सर। हाय सर। तरुण, हाउ आर यू? हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। हाँ? स्मोक? बहुत दिन हो गए। थैंक यू। और कैसा चल रहा है? आई एम ओके सर। उस डीन ने बिना गलती के तुझे कॉलेज से निकाल दिया यार। क्यों सर? आई हैव नो आइडिया। वो स्पोर्टी अभी बेंगलुरु में रहता है, मैं अभी उसके टच में नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग मैन।
और कितने महीने तक तू ऐसे रहने वाला? 1 सेकंड सर। या हेलो, तू क्या बोल रहा है कमीने? कौन है वो? ए, कौन है वो? आदि, तू भाई रुक, मैं आ रहा हूं। कोई बात नहीं, idiots. Don't cry, please. आदि सर, इतनी सी बात के लिए रो क्यों रही हो? जाओ ना, हालो बाहर चलते हैं। सर, दूसरे कॉलेज के लड़के कैंपस में है, तुम क्या उखाड़ रहे थे? एक्चुअली सर, वो लोग पूरे 6 लोग थे। 6 लोग थे? बोलना। सर, उस दिन फुटबॉल मैच में जो झगड़ा हुआ था ना, उसी कॉलेज के लड़के आए थे सर। उन्होंने पूछा आदित्य वर्मा की गर्लफ्रेंड कौन है, पता चलने के बाद गलत जगह पे कलर लगाया सर। मुझे बताओ कहाँ कहाँ पर रंग लगाया? सर, यहाँ पे और यहाँ पे भी सर। समर बाहर आ। समर, देखो कौन आया है, बेसबॉल बल्ले के साथ फुटबॉल चैंपियन। चला जा जा। आ गया। क्या कर रहा है? आदि, 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 उसे हाथ लगा। चूका दिखा ना उसे। अब चूके दिखा। आदि, आदि, काट दूंगा तुझे। काट दूंगा। आदि, आदि, बात सुन, छोड़ दे, छोड़ दे उसे। तूने देखा नहीं? तो उसे कहाँ कहाँ छुआ तूने? देखा नहीं? अरे प्लीज, अरे कूल डाउन। तेरे घर पे उसके नहीं बाप को राम लगाऊंगा तो चलेगा, चलेगा कमीने। अरे प्लीज, आदि उसे और मारोगे तो वो मर जाएगा। रिलैक्स आदि। जब हम यहाँ आए तो ये हालत है, 6 महीने बाद हम नहीं होंगे तो क्या हालत होगी? इसकी देखभाल कौन करेगा? इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये सब दोबारा नहीं होगा? हे कमीने, इसे देनी होगी गारंटी। देना गारंटी दे कमीने। बोल मीरा के साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। तेरे कमीने, अरे यार ये फिर कुछ तो बैठा। ये समर, मुझे वो लड़के बहुत पसंद है। We live in a physically growing world, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बात सीखी है कि हम सब पर किसी एक इंसान का सबसे खास असर होता है। मेरे लिए वो इंसान ये लड़की है। इसे कुछ हुआ ना तो आई बी द मोस्ट अफेक्टेड, यू अंडरस्टैंड? हे समर, तूने जो किया वो गलत था। Promise me right now, I have no bloody patience. Promise me right now, promise me now.
तू ऐसा फिर से नहीं करेगा। Promise me right now. Promise यार, ऐसी नौबत फिर नहीं आएगी। और अब भाड़ में जाओ तुम, तुम और तुम भी। नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा ना माँ। माँ बहुत लूज टक छोड़ रहा है माँ, उसकी बात सुनती ना तो आप खुद उसे शर्ट पकड़कर मार देती। क्या नहीं माँ, नहीं नहीं, एक ठीक है क्लिनिक में जाकर बात करता हूँ, बाय। कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ मेंटल, भाई तू इस मूड में डिशेस लिख रहा है क्या? कमाल कर रहा है यार। इस मूड में ही ब्रेन शार्प होता है। ए! उन मछलियों को तूने बोतल में क्यों रखा है रे? मेरा पड़ोसी पीटर है ना, वो इन्हें छोड़कर चला गया। पूरी रात ये लोग मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे, बार बार टक्कर 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 कर रहे, तो इन्हें अलग अलग बोतल में रख दिया। देख रहा है क्या कमाल का आइडिया है। अब क्या करेंगे? देख यार, जिस दुनिया में हम खुश नहीं वहां कोई और खुश नहीं होना चाहिए, समझा? अरे रे, ये वो क्या हुआ? इसकी तो अरे ए, ए, अरे रे ए आदि रुक जा रे, आदि बाप रे रुक, ए आदि क्या कर रहा है? ए आदि रुक जा, ए आदि पागल है क्या? छोड़ अरे रे आदि, अरे बाप रे, ए तू पागल है क्या? तू उसे मारने के लिए जा रहा था? उसका दिमाग खराब है क्या? 10 ग्लास तोड़ चुकी है वो, मेरा गोल्डन ड्रॉप ग्लास। इसलिए तू उसको मारेगा? सिटी में उनका भी गैंग होता है पता है, आ जाएगी ना तो पूरी इज्जत उतार देगी। तू भी ना एक नंबर का पागल है। समझाओ उसे, जब देखो ग्लास तोड़ चुका। हट जा। क्या हुआ? टांके लगा रही है? हाँ। उम्र क्या है इसकी? 19। तो टांके लगाने की क्या जरूरत है? ए, इस उम्र में बॉडी सेल्फ फील नहीं करती क्या? तमाशा देख रहे हो, बता नहीं सकते क्या? अरे यार अभी तो आए हैं यार। इडियट्स, MBBS खत्म होने से पहले सर्जरी करने की खुजली आ रही है, ये गिनी पिग है तुम्हारी। हाँ, पढ़ाई की है या कॉपी करके पास हुए हो? चलो उठ। कॉटन यार, डीपली कट गया, काफी ब्लीडिंग हुई है। ए, सब बुक्स के हिसाब से नहीं होता, बेसिक फर्स्ट एड से ठीक हो जाएगी, थोड़ा दर्द होगा लेकिन मेरे लिए सहल हो गया। बिना चप्पल के कहाँ घूम रही थी? जाकर बात करिए यार। जाके एक व्हीलचेयर लेकर आ। पूछूंगा तो बताएगा क्या? मीरा को बीच हाउस लेकर जाएंगे। ओ। उसका कट काफी डीप है तो हॉस्टल में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बेचारी बच्ची। वो कोई छोटी बच्ची है क्या? ए, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, सीरियसली बात करते हैं ना। इंटरनल्स आ रहे हैं, वो पढ़ाई कैसे करेगी? हाँ, मुझे कॉलेज से सस्पेंड किया, मैं खाली हूँ और मैं उसका लोकल गार्डियन भी हूँ। उसके पापा ने कहा था मैं उसका ख्याल रखूँ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है तू। उसके पापा ने कहा था कि उसके भाई की तरह ख्याल रखना, ऐसे उसकी बॉडी पर चित्र बनाने के लिए नहीं कहा। तू जाके व्हील चेयर लेकर आएगा। अब तू कहाँ जा रहा है यार? गर्ल्स हॉस्टल में। लेकिन तू वहां पर क्यों जा रहा है? जूनियर हॉस्टल में बियर की बॉटल कहाँ से आई? सर, तुम सब बियर पीती हो क्या? नहीं सर। तो मीरा का पैर बियर बॉटल से कैसे कटा है? जाओ बैग में मीरा के कपड़े भर के ला। ओके सर। वार्डन नहीं है क्या? नहीं सर।
वो आएगी तो बताना मीरा लोकल गार्डियन के घर गई है। नाइट ड्रेस वगैरह रख दिया? ऊपर है। हाँ। अब। वो दोनों भी। So, the upper bones in the body. चलो वापस चलते हैं। नहीं उधर भी मत जाना, मीरा के कपड़े वहां सूख रहे हैं। ए उधर मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं। नहीं वो तो मैंने पोटली में बांध कर यहीं। क्या मतलब पोटली में बांध के रखा है? तुम लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो? नहीं। अच्छा फिल्म देखने जाना है? हाँ जा रहे। तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं जरूरत होगी तो हम खुद भीख मांग लेंगे। चलो ठीक है। कुछ कहा तुम लोगों ने? हाँ दरवाजा ठीक से बंद करने को बोला है। आदि तुम्हें मेरे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारी सांस लेने की स्टाइल मुझे पसंद है। I like the way you breathe। ये तुम्हारा ब्रश है? या क्या देख रहा है? मुझे पता है यह लड़की हमेशा यहीं रहने वाली है। अगर तू हमें रोज पार्क या फिल्म जाने के लिए कहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है तू और तरुण कैंपस में शिफ्ट हो जा। हाँ इसमें तू भी कम नहीं है। ए मैं भी यहाँ पर रेंट देता हूँ। चल जाना यार। मीरा क्या हुआ? आज मेरा बर्थडे है। हे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मीरा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। तुझे ये सारी बुक चाहिए ना? तरुण यहाँ इसमें तेरी बुक्स हैं, इसमें तेरे कपड़े और उसमें तेरे गैजेट्स हैं। और कुछ तो बचा नहीं है ना? मीरा तुम्हारी एग्जाम्स तो खत्म हो गए ना? तुम अभी तक निकली नहीं? ए, हम लोग परसों जा रहे हैं, तूने अब तक अपना सामान पैक नहीं किया? कल कर लूंगा यार। आदि मैं दो दिन और यहाँ रह सकती हूँ? बेबी ये सब गुड बाय गुडबाय मुझसे नहीं होता, लेकिन अगर तुम मैंगलोर में ही रहोगी तो मैं ये जगह नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम कल चली जाओ। ओके तुम मसूरी जाओगे और मैं चेन्नई जाऊंगी, पर सेम डे प्लीज बेबी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पहले ये सब डिस्कस हो चुका है ना बेबी, फिर अब ये क्यों? हमने टिकट्स बुक कर लिए हैं, तुमने अपना लगेज पैक किया ना? रात बाकी बात बाकी होना है जो ये बीच हाउस हमारा टाइम पास, फाइनल ईयर हाउसी, मैंगलोर सेंट पैट्रिक्स लाइफ, कोरी रोटी, फन जॉली, आज से ये सब खत्म हो जाएगा यार। ए, क्या खत्म हो गया? जैसे यहाँ कोई मर गया हो। क्या खत्म हो गया? वो यूके जा रहा है, मैं मसूरी जा रहा हूँ, तू खुद का एक क्लिनिक शुरू करने वाला है,
देखते हैं 3 साल में कौन कहाँ रहेगा। जब देखो तब नॉस्टैल्जिया की बातें करके पकाता है। तुझे क्या कमी है? Hey guys, guess what? अपने राघव सर स्फूर्ति का वीडियो अपने कॉलेज में बहुत वायरल हो गया है। तुम लोगों ने देखा? कैसा वीडियो? ए, वही होगा जिसमें दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, जिसमें दोनों लगातार एक दूसरे को किस भी कर रहे थे, उसके बाद भी उन दोनों का कंसंट्रेशन मिस नहीं हुआ। उनका कंसंट्रेशन किस में नहीं था, सिर्फ बाइक में था। बेबी तुम गुस्सा मत होना, क्या मैं 2 और दिन यहाँ रह सकती हूँ? बेबी प्लीज। बेबी लेट्स किस टुनाइट। क्या कहा? क्या कहा? किस? आई एम सीरियस। ए तरुण मेरी बात मान, फंस मत जाना, रहने दे। मैंने कभी तुम्हें बेबी कहकर बुलाया है क्या? अरे वो फुल फॉर्म में। अपना पहला कदम बढ़ाओ। ए उसे किस करो। अपना पहला कदम बढ़ाओ। आदि आदि तुम सुन रहे हो ना? बेबी बेबी लिसन। बेबी सुनो ना, सिर्फ 2 डेज प्लीज। हे मैंने तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? 2 दिन से 2 डेज करके इरिटेट कर रही हो। मैं मर गया हूं क्या? बेबी ऐसा क्या हो गया? बेबी इसके बेबी बेबी इसके लिए कोई रोता है क्या? यहां देखो, डोंट क्राई बेबी, आई एम सॉरी बेब। ओह गॉड। हे मीरा तुम पागल हो गई हो, इतनी दूर कैसे पहुंची? बस में। बस? बेबी हमें दूर हुए 15 डेज भी नहीं हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 15 इयर्स हो गए हैं। मैं इस्टी हूँ। Congratulations, Dr. Meera. Thanks. तो ये तुम्हारा घर है? बहुत अच्छा। Come inside. बाद में आता हूँ ना माँ। Hey, आदि, ये मेरा भाई है, मिथुन। Hey. मिथुन शेट्टी। आदित्य। आदित्य what? मिथुन behave. Yeah. माँ ये आदि। Hello auntie. My sister. Hi. Hello. आंटी मुझे आपसे और अंकल से कुछ बात करनी है। इज अंकल हियर? ही इज गॉन आउट, एनी टाइम ही विल बी बैक। ओके, इन द मीन टाइम क्या मैं मीरा को अपने साथ ले जाऊं? एक्चुअली मेरे भाई की परसों शादी है और घर पर फंक्शंस चल रहे हैं, तो इसीलिए इसे ले जाना था। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके पापा के आने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ, आपको वेट करना होगा। क्या आप चाय या कॉफी लेना चाहेंगे? नो, आई एम ऑलराइट आंटी, थैंक यू। Missing me? I'm missing you so much. Meera! Meera, डरने की जरूरत नहीं है। I got this. Uncle, मैं इस बारे में आपसे। Papa! कमीने! अंकल, तुझे कॉलेज में देख कर ही मैं समझ गया था कि एक मक्का आ रहा है। मेरी बात तो सुनिए। अंकल हम पहले बात कर सकते हैं। अंकल आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल हम चल के बात। पापा। अंकल प्लीज। पापा प्लीज। क्या हुआ? सुनिए तो पापा। पापा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका दामाद होता तो भी ऐसा ही बर्ताव करते? तुम्हारे जैसे लड़के को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। मीरा मैं उनसे बात करूं या चला जाऊं? मीरा गो इनसाइड। मीरा बहुत ही रॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तुम्हारे पापा।
बैठकर एक्सप्लेन करो उन्हें. वी आर नॉट प्रेटी टीनेजर्स. टॉक टू हिम लाइक अ वुमन. मीरा गो इनसाइड. गो. रोक रे. मीरे के टेरेस पे तेरे को क्या काम है? इधर उधर क्या देख रहा है? इधर देखना. ए तू मेरा साला है यार. मुझे तेरी बहन से प्यार है. समझ गया ना? We're like family now, bro. Go put some sense in your father's head. तू भी बिल्कुल अपनी बहन पे गया. ची. कौन से क्लास में है तू? 10 स्टैंडर्ड. ये सब बकवास बंद कर दे और जरा पढ़ाई पर ध्यान दे. समझा? समझा ना? ये लोग तेरी क्लास लेने क्यों आए? मैंने कहा पार्टी दूंगा. पार्टी देगा? यकीन देने. पार्टी. ये लो. ए, जाके पापा को बोल मैंने तुझे भी किस किया. क्या हुआ आदित्य? पापा मैंने आपको बताया नहीं, बट दिस दिस गर्ल बताने ही वाला था कि. जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड. हाँ वही पापा, मीरा नाम की लड़की है. आई रियली लव हर. 6 महीने से उसे देखा नहीं था तो उसके घर पे गया. उसके टेरेस पर था. वी वर इन अ प्राइवेट स्पेस. सडनली उसके पापा आ गए. उन्होंने सिचुएशन को समझा नहीं. ये कैसी बातें कर रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्लीज पापा, वी वर मीटिंग आफ्टर 6 मंथ्स. मीटिंग फॉर व्हाट? वही बता रहा हूँ पापा, हम प्राइवेट स्पेस में थे, टेरेस के कॉर्नर में थे. सडनली उस तरफ से उसके पापा आ गए. उन्होंने कुछ देखा, कुछ समझा और फिर नहीं, वो. तो पहले ये बता, ये प्राइवेट स्पेस क्या होता है? अरे यार तू इन्हें समझाना प्राइवेट स्पेस. ये तू क्या बोल रहा आती? बताना क्या है वो. आपकी शादी हुई तब आपकी एज क्या थी? मेरी उम्र. हाँ, व्हाट वाज योर एज? पर मेरी उम्र से क्या मतलब है? क्या ए सिड, रुकना यार. शादी हुई थी तब आपकी एज क्या थी? 23. ओके, नाउ व्हाट्स माय एज? इससे उसका क्या संबंध है? डैड, मेरी एज क्या है? व्हाट्स माय एज? ये क्या है सिद्धार्थ, ये कहना क्या चाह रहा है? ये सिड समझाना है. मेरी उम्र क्या है? मेरी उम्र क्या है डैड? 25. तेरी उम्र 25 है. दैट्स इट. दैट्स व्हाट. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट प्राइवेट स्पेस मींस. पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा. क्या है ये? ये क्या है? इसे बताने को कहना. व्हाट्स ही टॉकिंग अबाउट? पापा अंदर चल के बात करते हैं. चलिए अंदर चल के बात करते हैं. अब चलिए पापा. आदित्य उठो बेटा, मेरी बात सुनो. अगर शादी करनी है तो अपने पापा से कहो, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करा दो. खुद ही शादी की बात करोगे तो ये अच्छा नहीं है ना? गलत बात है बेटा. मैं और मीरा, हम लोग दोनों प्राइवेट स्पेस में थे. जब ये बात पापा से कही तो वो मुझसे बार बार वही सवाल कर रहे थे, बताओ 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 इसका मतलब क्या है. दादी उनकी समझ में नहीं आ रहा था. He just doesn't understand. ये क्या कोई समझने की बात है बेटा? प्यार करना हो तो कॉलेज की लाइफ ठीक ठाक लगती है, लेकिन शादी करनी एक अलग ही बात होती है. तुम्हें कई लोगों से मिलना होगा, कई लोग तुम्हें जज करेंगे, कई लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं. उसके बाद तुम्हें सबकी बातें सुननी पड़ेगी, और इतना ही नहीं तुम्हें डिबेट भी करनी पड़ेगी. लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें एकदम स्टडी रहना होगा, गुस्सा नहीं करना है. That's the great relationship. आप और दादाजी सेम कास्ट के थे इसीलिए इजीली वर्कआउट हो गया. हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना इजी विजी कुछ भी नहीं था. मेरी माँ और मेरी चाची ने मुझे बहुत डांटा था, कहा कि इसे दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजा था और देखो क्या हो गया, इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी. ऐसी और भी बातें कहीं. ये सब तो कॉमन है, ऐसा हर जगह होता है. When a woman falls in love, her priorities are different. ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो आप क्या करेंगी? मैं मनाऊंगी.
और अगर वो किसी भी कीमत पर हरगिज नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं फिर भी मनाने की कोशिश करूंगी। अरे दादी, मीरा के डैड बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, वो तुम्हें गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के पिता हैं। पहले तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। दादी माँ, मीरा आ जाओ बेटी, कम हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, तुम दोनों एक साथ लंबी उम्र तक बहुत खुश रहोगे, ठीक है ना? देख, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? ठीक है, आदि, ये तुम्हारा रूम है? हमारे बारे में पापा से बात की? नहीं की। अच्छा हुआ, बात मत करो। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात मत करो। तुमने मेरे भाई को चूमा? हाँ चूमा। कहो तो तुम्हारे पापा माँ और बहन को भी चूमू? समझ में नहीं आ रहा, हंस क्यों रही हो? बेबी, हमारी फर्स्ट नाइट यही होगी। फर्स्ट नाइट? ब्लडी 549th नाइट। यू कीप काउंट? नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए। फिर इतना एग्जैक्टली कैसे बता सकते हो? 549 टाइम्स? तुम्हें कैसे पता 549 करेक्ट नहीं है? यू कीप काउंट बेबी, लेट्स मेक इट 550। यहाँ? अभी? हाँ, इसमें गलत क्या? पापा, आदि उस लड़की को बहुत पसंद करता है। मैटर कॉम्प्लिकेट होने से पहले खुद उनसे जाकर बात करते हैं। ये कैसी बातें कर रहा है? दो दिन बाद तेरी शादी है और तू उनसे बात करने के लिए कह रहा है? अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। उसने हमसे पूछकर कुछ नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है, उसे खुद ही बात करने दो। हाय पापा, घर पर? वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। अंकल, उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, बट प्लीज उसके बेसिस पर हमें जज मत कीजिएगा। मुझे मीरा बहुत पसंद है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने अपना एमएस पूरा कर लिया है, कहीं भी जॉब करूंगा तो मंथली 2 लाख सैलरी मिल जाएगी। अंकल, आपसे ज्यादा अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। आई थिंक अगर हमारी फैमिलीज मिलकर बात करेंगे तो यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द मैटर। मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। नहीं अंकल, मेरा ये कहने का इरादा नहीं था। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग अंकल। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे हो मुझे। अंकल, आई नो आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये बच्चों का खेल है, बट प्लीज अगर आप इन बातों को जरा ओपन माइंड रखकर सोचेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि हम दोनों के प्यार में कितनी डेप्थ है। डेप्थ? ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हो क्या तुम? पापा प्लीज लेट हिम फिनिश। पापा शट अप, तुम अपनी जुबान बंद रखो। इस लड़के को वापस क्यों लेकर आई? एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? अब मेरी बात सुनो, मेरी बेटी की शादी मेरी कास्ट में और मेरे बराबर वाले से होगी, यही मेरा सपना है और यही मेरा सम्मान होगा। सुची, ये वही है ना? सुनो, इससे शादी का सपना अपने मन से निकाल दो। प्लीज, चल निकल। प्लीज डोंट। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ और मीरा भी मुझसे प्यार करती है, एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट मी? आई एम अ ब्लडी सर्जन, कोई रास्ते पर चलता फिरता रोमियो नहीं हूं। एंड हू द हेल इज दिस गाय मीरा? इफ दिस इज हाउ इट इज, इफ दिस इज हाउ इट विल बी, देन आई हैड एनफ। आदि प्लीज लिसन। मीरा, आदि, मीरा, मीरा प्लीज लिसन। तुम्हें अपने पापा को बताना चाहिए हमारे बीच क्या हुआ था।
क्या हो गया आदि, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? मैं कोई कवि नहीं हूँ जो इनके लिए एक पोएट्री लिख कर दूंगा। वैसे भी इनसे कुछ कहना वेस्ट है। उनके हिसाब से हमारा साथ रहना नामुमकिन है। उन्होंने प्यार किया होता तो समझते हमारे बीच क्या। मीरा, this is too much. Just come inside. He's getting our parents involved. आदि, ए, आदि, आदि, please, आदि, please, please, आदि। मीरा, क्या हुआ? ए, कौन है ये? ए, पुलिस को फोन कर। काट दे रे, चल चलते हैं। Do I deserve this? आदि, आदि तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आदि, मेरे सामने फिल्मी डायलॉग मारोगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। कैसा आदमी है, उसे समझ में नहीं आता क्या? मैं बोलूंगा तो सुनेगा? आदि, that's my father. फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। वो कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। मीरा, इमेजिन दिस इज नॉट 2019। इमेजिन करो हम राजाओं के युग में हैं। उन्होंने हमें साथ आने से रोका, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ जंग छेड़ दी। मैं उन्हें पेड़ियों में बांधकर पिंजरे में कैद कर देता और फिर उनके सामने तुमसे शादी करता मीरा, और वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में। तुम पागल हो गए हो क्या? Have you completely lost it? Yes, I've completely bloody lost it. Look at me. Baby, please. दुनिया में ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ और तुम मेरे लिए। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? सिर्फ तुम मेरे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता, दादी दादा, सब के सब मेरे लिए पैदा हुए हैं। To make love, to make babies, so that they can make babies, so that they can make you for me, so that we could bloody meet. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? Listen to me. मैं तुम्हें 6 घंटे का वक्त देता हूँ। 6 घंटे में डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है और फिर मुझे कॉल करो। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मीरा, पर कॉल तभी करना जब तुम मेरे जितनी पागल हो जाओ। कॉल नहीं आया तो यू नो मी। प्लीज आदि, इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड व्हाट कॉम्प्लिकेटेड मैन व्हाट कॉम्प्लिकेटेड क्या कॉम्प्लिकेट हो गया? व्हाट गॉट कॉम्प्लिकेटेड? हां टेल मी, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी शादी करवाएंगे ना? गो 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 बेबी प्लीज। मैं श्राप देता हूं अपने कास्ट वाले से शादी कर लो। आदि, आदि, आदि प्लीज। मीरा, लेट मी गो। आई स्वेयर टू गॉड, सॉरी प्लीज। मीरा, मुझे छोड़ दो। मीरा, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो देखो, तुम्हारे पापा देख रहे हैं, तुम्हारे पापा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं। मीरा, पापा देख रहे हैं तुम्हारे। ओह माय गॉड, तुम्हारी परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारी कास्ट की इज्जत का क्या होगा? उसे मिट्टी में मिलाओगे? हो बेबी, आदि, 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 मुझे देखो बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। Do you think I can survive without you? Six hours, Meera. आदित्य, क्या हुआ यार? क्यों, बैचलर पार्टी में पीना नहीं चाहिए क्या? लेकिन क्यों यार? तो फिर क्यों पूछ रहा है? एंजॉय कर, हैव फन, ओके? व्हाट द हेल इज दिस मीरा? मामा, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेल्स। व्हाई डोंट यू ओपन एंड रीड इट? इट्स इवन मोर फन। शिमलेस का, शट अप। व्हाट रबिश इज दिस मीरा? हाँ, हमने बहुत मजे किए हैं। क्लोथ्स ऑफ, नेकेड, हैविंग सेक्स, हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। शट अप, बेशर्म करेगी। किस तरह की बातें कर रही है तू? मीना, उसका मोबाइल ले लो। और लड़के नहीं है क्या? Oh,
मूर्ति जाके ये मेडिसिन लेकर आओ। आदित्य, आदित्य, आदित्य दरवाजा खोल, मीरा आई है। आदित्य, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या यह मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या यह मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या यह मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-01701 पर। लकी है वो, अल्कोहल के साथ मॉर्फी का कॉम्बिनेशन, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं सर, अगर एक पॉइंट भी ज्यादा होता तो कोमा में चला जाता, पता है? उसके दोपहर तक होश में आने के चांस है क्या सर? तुम इसे नहीं जानते क्या पार्थिव? उसकी भाई की शादी के लिए क्या? नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड की दोपहर में शादी है। उसकी गर्लफ्रेंड शादी कर रही है? जिसे उस दिन होली में देखा था, वो उसे पता है क्या? छे, पूरा शहर गंदा हो रहा है। उस कॉलेज की कोई भी लव स्टोरी सक्सेस नहीं हो रही है। मुश्किल है पार्थिव, वैसे भी वो अगले 36 घंटों तक नहीं उठेगा। उठ जाए तो उसे बता देना। मैं अगर और यहाँ रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैं निकलता हूँ, कॉल करना। आई विल कॉल यू सर। या ओके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बेटा इसे अपने हाथ में लो, आप भी ले लीजिए, माथे से लगाकर वेदी पर डालिए। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धरणी भैराम जाड्यान काराप।
पाम हस्ते स्फटिक मालिकाम चदतिं विद्याम धनं सुंदराम। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। कितने महान डॉक्टर हो तुम, पहले उस चीज को फेंक दो। इसका हाथ इसके सीने पर है, अभी इसकी दादी जिंदा है। पार्थिव कॉल मेरा, आई वुड लाइक टू टॉक टू हर। दादी मैं दरअसल आज दोपहर को उसकी शादी हो रही है। शादी है? क्या इसको पता है? इसे पता होता तो ये यहां थोड़ी होता। कल ही तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी शादी कैसे? अरे दीदी क्या हुआ इसे, ऐसे क्यों सोया चले है? जाओ यहां से, चले आते हैं। ओम सर्वशक्तये नमो नमः, सर्वकाले नमो नमः, परमेश्वराय नमो नमः, ओम भूदेवाय नमो नमः, गृह देवताभ्यो नमो नमः। जूस पी लीजिए। ए मुझे डायपर किसने पहनाया? ओम पितृदेवाय समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सिगरेट देना। इसे निकालना। ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसे दो मिनट पानी में भिगाओ तभी निकलता है। ए, क्या कर रहा है? तुझे जरा भी सब्र नहीं है क्या? अगर उस दिन 5 मिनट भी सब्र रखा होता ना तो कम से कम तुम्हारे बीच कुछ बात तो होती। क्यों हमारे बीच बात नहीं हुई, इसका दुख हो रहा है तुझे? नहीं यार, शादी के बारे में बताया। सेट है यार, करने दे, शादी करके मरने दे। तुझे लगता है अगर उसकी शादी हो जाएगी तो मेरी फीलिंग्स बदल जाएंगे? वो करने वाली नहीं है, कर चुकी है। सच कह रहा हूं, कल दोपहर को उसकी शादी हो गई। ए आदि तू कहां जा रहा है? अब तू कुछ नहीं कर ओम सकता। ओम गंग गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः। बाप ने मुझसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य, ए आदि, ए कहां गया होगा? पंडित जी आप शुरू कीजिए। आदि आदि इधर देख, आदि गाड़ी में बैठना। क्या आदि मेरी बात सुनना, देख ये सुनना, अगर वहां गए तो तू चुप कर यार। अरे अगर वहां गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। ए ए ए आदि क्या कर रहा है? मीरा 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 get up, I don't accept this bloody marriage, just get up right now। आदि get up right now, how can you just sit there? मीरा मेरी बात सुनो बेटा। मीरा मेरे साथ चलो। आदि खुलो, ये घर में कैसे आया मेरे, इसे बाहर निकालो। मीरा क्या कर रही हो तुम, उठो मीरा, निकलो बाहर। मीरा को लेकर जाऊंगा, मीरा उठो, मीरा मीरा मेरे साथ चलो। मीरा मारो इस कमीने को और मारो, आज के बाद ये मेरे घर में नहीं आना चाहिए। हड्डी बस लिए कर दो इसकी। छोड़िए सर। अरे क्या कर रहे हैं सर? सर इनको रोक लीजिए सर, वो मर जाएगा बेचारा सर। सर प्लीज उसे रोक लीजिए सर। मीरा तुम्हारी तो मैं भी बताता हूँ, अगर मारना बंद नहीं किया ना तो इस बुड्ढे का सिर फोड़ दूंगा। रुको, जाओ यहां से, चलो सब लोग अंदर जाओ, जाओ। आदि आदि, ए ए आदि आदि उठ, चल 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 यहां से। मीरा चला दे आदि, चल
आदि आदि चल यहां से, आदि चल मेरे साथ। मीरा मीरा बाहर आओ, मीरा प्लीज। ये ले। हे पार्थ, ये शादी एक्चुअली इतनी पावरफुल होती है, हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते क्या? अब बस चुप रहना चाहिए क्या? मैं दो दिन बेहोश कह रहा, उसने शादी कर ली यार। जब उसे शादी नहीं करनी है तो मजबूर कैसे कर सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, तू क्या बोल रहा है यार? अब मैं क्या करूं? उसके घर इतना बड़ा झगड़ा हुआ, उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। नहीं यार, कुछ, कुछ ये सब आसानी से गिव अप कर देते हैं। नहीं यार, शायद वहां मंत्र चल रहे थे तो उसे सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है, अब तू क्या करना चाहता है? देख, वो मेरी मीरा है, ठीक है, चल उसके घर जाते हैं। ये आदि नहीं, पागल है क्या? रहने दे, चल निकल। मीरा, मीरा घर से बाहर निकलो, मीरा, मीरा, just get out of the house, मीरा, I can't take this anymore, get out of the house। इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को यहां आने के लिए बोलो। सिगरेट है क्या? बीड़ी लेगा? ए, उसे अंदर लेकर आओ। ए भाई, पुलिस स्टेशन में सिगरेट पीना मना है। इसे समझा नहीं सकता पार्थिव, इसे पीछे के दरवाजे से लेके जा। जा। आदित्य, कितनी बार उसकी घर में जाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, शर्म नहीं आती? माँ, बाद में बात करते हैं। तो चुप कर, शादी में आए सारे मेहमान तेरे पापा से पूछ रहे थे कि आपका छोटा बेटा कहाँ है, तू हमारी ग्रुप फोटो में भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो माँ? ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो चाहिए तो फोटोशॉप कर लेना। सिद्धार्थ, मुझे कोई दुख नहीं है मैं तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे घर से निकल जा, के बाद चला जाऊंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, निकल जा। सुनिए पापा, प्लीज पापा, ये क्या कर रहे हैं? निकल जा यहां से, अरे गेट आउट। सुनिए ना पापा। ए सिद्धू, अरे बेटा उसे अंदर बुला लो। पापा मैंने बताया था ना, वो बीमार है, उसे अकेला ही रहने दो। क्यों, उसे भी दस्त है क्या? चुप रहो पापा, जब भी देखो दस्त दस्त दस्त, और कुछ आता नहीं है क्या? अच्छा पापा, आपकी अलमारी से विस्की ले ली है मैंने। हाँ ठीक है बेटा। वो भी कुछ नहीं खाएगा, तू वापस ले जा। हाँ हेलो, तू शादी में क्यों नहीं आया? यहां आएगा तो घर पे जरूर आना। ठीक है, बाद में बात करता हूं। बोल भाई। मुझे नया जॉब मिल गया है। कांग्रेस यार, तो अब तुम नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो। ए, तूने कहीं मीरा को देखा क्या? वो मुझे क्यों दिखाई देगी? तू अपनी स्कूटर लेने नहीं गया था क्या? नहीं यार, मैं नहीं गया, पापा को भेजा था। तो अपने पापा से पूछना कि क्या उन्होंने देखा मीरा को। अरे अभी तो मैं क्लिनिक में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। मैंने ध्यान दिया पार्थिव,
मीरा ने कॉलेज में कभी किसी से नजर नहीं मिलाई थी। She's a beautiful girl, yeah. But she looked at me. उस दिन से ये स्टार्ट हुआ। It's some magic, man. लेकिन उसने उस दिन क्या कहा? हमारी कास्ट, हमारी इज्जत, किसने सिखाया उसे? हाँ, कहां से आया ये सब? It's bloody cruel, man. It's unfair. That's what it is. अगर मीरा और मैं साथ होते ना, तो हमारा एक बाय प्रोडक्ट होता, a beautiful baby. And now, because of some external bloody factors, we both got divided, and now that baby will never see the face of this earth. वैसे भी अरेंज्ड मैरिज में लव होता है क्या? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। फर्स्ट नाइट के बारे में पागल हो जाते हैं सबके सब, कथे कहीं के। ए, इट्स डिपेंड ऑफ इंडिविजुअल यार। आदि, मीरा की शादी हुए 4 महीने हो गए, वो अपनी लाइफ में मूव कर गई है। एक तू है जो लाइफ में पत्थर की तरह स्टक हो गया। मीरा की शादी हो गई है, शादी हो गई है, 500 बार बोल चुका है तो। ऐसा है तो 5000 बार बोलूंगा। ए, पार्थिव इधर आ। नहीं, तू मुझे मारेगा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं मारूंगा पार्थिव, प्रॉमिस। इधर आ। मान ले तेरी गर्लफ्रेंड को पीएमएस प्रॉब्लम है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मान ले। उस वक्त तो क्या करेगा बेबी? ये पेन तो हर महीने होता है, बस अगले 4 दिन इसे सह लो, फिर ये चला जाएगा। नहीं तो उसके करीब जाएगा, उससे कहेगा कि अपने थाइस पर, थाइस का मतलब बलगर नहीं है, थाइस का मतलब है लैप, गोद। तू उससे कहेगा कि मेरी गोद में सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके दर्द को समझेगा। तूने मेडिसिन पढ़ा है ना? या फिर ये सब भुला कर तू उससे कहेगा कि तुम एक औरत हो तो तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। अच्छा, फिर तो ठीक है, इसके बारे में बात क्यों किए? कैसा ढक्कन है, जितना बोला उसमें यही समझ में आया। अरे समझ गया, तूने जो भी कहा मैं समझ गया। जब महिला पीएमएस में हो या पीरियड में हो तो उसे कैसे ट्रीट करना है, उसी तरह तुम्हें भी ट्रीट करना है, मैं समझ गया। उनको महीने में 4 दिन समस्या होती है, लेकिन तुझे पूरा महीना समस्या होती है, ठीक है? अरे मेरे बाप, मैं तेरे मूड के हिसाब से नहीं चल सकता, मुझे क्लिनिक में काम है, मैं चलता हूँ। चल बस। ये विस्की की स्मेल आ रही है, माउथ फ्रेश ना खा ले। क्यों, किसी को किस करने जा रहा हूं? इसका जवाब तो तुरंत आ जाता है। ए आदि, अगर तूने डार्लिंग ओपन द डोर करके दरवाजा खटखटाया होता तो जिस काम से गया था वो हो जाता? हाँ हो जाता। चांस ही नहीं है राजा, मैं तुझे इतना सा था तब से जानता हूँ, समझ गया? अच्छा, वैसे डार्लिंग ओपन द डोर के बारे में तू कैसे जानता है? मैंने नशे में बक दिया क्या? ए, तू नशे में जब बकता है तो सिर्फ मीरा के बारे में बकता है। उस पेशेंट को मैंने रेफर किया था उस टकले फोटोग्राफर के लिए। अच्छा, ए, उस दिन स्टार्ट कैसे हुआ था? उसका रेडियल डिस्क फ्रैक्चर था। हाँ, और वो लड़की हर दिन हॉस्पिटल में फोन करती थी, फियांसे को चिकन खिला सकते हैं क्या? हाँ? मसूर खिला सकते हैं क्या? क्योंकि उसे लगा, हाँ, इससे जॉन्डिस हो गया था। ने बोला उसे चिकन खिलाने के बजाय मुझे खिला दो, ठीक हो जाएगा। स्ट्रेट? हाँ स्ट्रेट। तू क्या है रे, कैसे किया ये सब? तू तो उसे सिर्फ देखने के लिए गया था और तू डाल के आ गया आइस पैंट के अंदर। सर शेव। यार ये एक रोज शेव शेव करके पकाती रहती है। ए, इसे सीरियस मत ले। ए, तुझे क्या लगता है ऐसी बेवकूफी करेगा तो तू मीरा को भूल जाएगा? नहीं ना, अच्छी लड़की को तलाश कर और उसे गर्लफ्रेंड बना। ए आदि, तू रो रहा है? ए आदि, छी, बच्चे की तरह रो रहा है, रोना बंद कर रहे। ए, इसीलिए बोलता हूँ जो तू नहीं है वो बनने की ट्राई मत कर। ए, तेरी पर्सनैलिटी की तरफ देख, तेरे पे सूट नहीं कर रहा है रे। ए, मेरा यकीन कर, कोई भी लड़की तुझ पर फिदा हो सकती है, गर्ल्स हॉस्टल के सामने तेरे लिए लाइन लग जाएगी। फालतू में मीरा के नाम का इतना रो रहा है। मैडम एक मिनट। मैडम या ओके, इतना ओवर भी मत करो। हाँ ओके मैडम। ये हॉस्पिटल तो अच्छा है ना, इतना खाली क्यों है? हाँ मैडम, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सर, प्रिया मेनन आई है सर, हीरोइन है सर, एमडी ने उन्हें आपको ही रेफर किया है। आने के लिए कहो। डॉक्टर आदित्य, वीआईपी पेशेंट। पेशेंट? मैं आपका फैन हूँ।
मैं आपकी हर फिल्म में देखता हूँ, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। अगर आप हमारे हॉस्पिटल में शूटिंग करना चाहें तो कॉल मी एनी टाइम, मैं परमिशन दूंगा, नो प्रॉब्लम। सिज़दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प करेंगे। मैडम का देखभाल अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, वीआईपी पेशेंट। भेजे में पानी का लेवल कम हो गया क्या? ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस नहीं समझ में आता? असल में तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। हीरोइन को देखने के चक्कर में काम भूल गए अपना। पेशेंट आने पर पहला काम क्या होता है? सॉरी अबाउट दैट, बताइए क्या हुआ? ये डांस कर रही थी, पैर फिसला और गिर गई। पैर ट्विस्ट हो गया था, चलने में तकलीफ हो रही है। ओके, जस्ट रिलैक्स। यहां पर? हाँ। यहां? दुख रहा है। ओके, तुलसी। यस सर। और उन ब्रेस लेकर आओ। ओके सर। कुछ दिन बेयर स्किन रहना होगा, ये लेगिंग्स वगैरह नहीं पहन सकते। ओके ओके। रात को सोते वक्त इसे निकाल कर सोना। ठीक है डॉक्टर। डन। थैंक यू डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है आपको? वाओ, थैंक्स, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। गुड। लक्ष्मण। मैडम इस वक्त बिजी हैं, बाद में फोन कीजिए। लक्ष्मण, उस डॉक्टर का नंबर पता करो। 9500190010 मैडम। ओवर स्मार्टनेस हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, जरा संभल कर। ये क्या कर रहा है इधर? सिड, तू यहां क्या कर रहा है? हाथ दिखा। ए, क्या कर रहा है? मुंह खोल। छोड़ यार। दांत दिखा। ए, ए, कितना पीता है तू? डिस्टर्ब करने क्यों आ गया? ये सब क्या है? ये मेरा सामान नहीं है यार, वो पीटर का है, उसका बाप गांव से वापस आया ना इसलिए। तू यहां कैसे रह रहा है? अगर तुझे अकेला छोड़ दिया तो। ए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा ना बस। ये ईगो ट्रिप और कितने दिन? ये ईगो ट्रिप है। आदित्य लिसन, पापा से मैं बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? बात पापा की नहीं है, आई जस्ट नीड सम स्पेस। कैसा स्पेस यार? हाँ, घर छोड़े हुए 4 महीने हो गए। बहस करने के लिए आया क्या? ओके, तेरा फेवरेट है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर, मैंने ऑर्डर किया है, घर चलना। मैं नहीं आऊंगा। अपने घर चलने कह रहा हूं। चांस ही नहीं है ब्रो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों इतना जिद कर रहा है तू? अरे यार, कितनी मुश्किल से तेरा एड्रेस मिला है। किसने बोला था एड्रेस ढूंढने के लिए? मैंने बोला था क्या? दिख रहा है ना मैं ठीक हूं? मैं तुझे लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, समझा? तू चल। ए आदि। हां, मैं शराब पीता हूं, गांजा मारता हूं, तू क्या कर लेगा? ये मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। गेट लॉस्ट। सुबह सुबह मैं तुझे इतना समझा रहा हूं और तू चल मेरे साथ। आदि, आदि चल। आदि, आदि मेरी बात सुन। आदि, और बता, हनीमून के लिए कहां गया था? कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि तू घर से चला गया था, तो फिर मैं कैसे जाता? मतलब तुम दोनों के बीच? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। घर में छोटे बच्चे की आवाज कैसे आएगी? 2 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद प्लान करेंगे। प्लान करोगे? ऐसी चीजें कोई प्लान करता है क्या? इसका अपना एक फ्लो होता है, नेचुरली, आउट ऑफ लव, यू नो। रोलिंग। यस सर। एक्शन। मूव मूव। सर, गुड मॉर्निंग सर। चाय या कॉफी? जूस है क्या? हाँ है सर। सर, मैडम शॉर्ट में बिजी हैं, 5 मिनट में आ जाएंगी। सर जूस।
दादी। हाय। मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगे। अब घुटना कैसा? पहले से बेटर है। शूट के बाद नी पैड पहनकर रखती हूँ। यही जानने के लिए आए थे क्या? कहानी सुनाने आया था। कहानी सुनाओ ना। जब कॉलेज में था तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मीरा नाम की। हम ऑलमोस्ट साथ रहते थे, लिविंग इन। उस लड़की की शादी हो गई है। उसे भुलाने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं होता। I'm so sorry. मुझे फीलिंग्स नहीं चाहिए। That's what screwed me in the first place. Just a simple request. बोलो ना। फिजिकली हेल्प करोगी क्या? चाहो तो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकता हूँ। What? हाँ, openly कुछ रॉ करते हैं। Friends with benefits, no strings attached, no questions asked. It'll be fantastic. क्या कहती हो? क्या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? आदि, हाय। प्रिया ये मेरा दोस्त है। लक्ष्मण। यस मैडम। हे आदि। हे पार्थिव, बैठ। ये देख तेरे लिए सरप्राइज। हे तरुण, व्हाट्स अप ब्रो? गुड टू सी यू। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ यार। कब आया? आज ही सुबह आया। तेरे लाइसेंस का क्या हुआ? लाइसेंस क्लियर हो गया यार। कांग्रेट्स ब्रो। नाइस नाइस। और बताओ व्हाट्स अप? अरे यार, काव्या के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं, उसी टेंशन में उसने मुझे अर्जेंटली बुला लिया यार, और मैं आ गया। इतना सीरियस था तुम्हारा रिलेशनशिप? हाँ तो? देख दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूँ, हर कोई पैसे के पीछे पागल हो रहा है यार, थोड़ा इजी ले ले। बात बनी तो ओके, नहीं बनी तो डबल ओके, वरना मेरे जैसा बन जाएगा। ए, कैसी बातें कर रहा है? तुझे किस चीज की कमी है रे? यहाँ तो हीरोइन के साथ बैठा है। हाँ, अच्छा बता, तुम दोनों क्या सीरियस बात कर रहे थे? शॉर्ट डिस्कशन हो रहा था क्या? सेट हुई भी है कि नहीं? वर्किंग प्रोसेस है। बकवास मत कर, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया था। ओ, ए तरुण, मैंने क्या कहा था, नाइट में सूरज दिखेगा, टीवी में बताया था ना। ए, उसे मीरा के बारे में बताया मैंने, मैंने उससे थोड़ी सी फिजिकल हेल्प मांग ली है। फिजिकल हेल्प? तो मैडम ने फिर तुझसे क्या कहा? मैडम धीरे धीरे हाँ बोल देगी। बोल। लड़की को क्या हो गया? मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है। कौन सी लड़की रे? प्रिया यार। प्रिया? ए, अभी तू कहाँ पर है? मेरे फ्लैट में हूँ। उसने कॉफी पिलाकर जगा दिया। ओ, पी ली क्या? काम पूरा हो गया? इतना सोचेगा तो दिमाग घिस जाएगा। अरे अब तो हो जाएगा ना, हैप्पी जर्नी। ए, जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब ध्यान से सुन। मैंने उस लड़की की विकिपीडिया पेज को पढ़ा है। वो लड़की हैदराबाद IIT से पढ़ी लिखी है और उसके पिता दिल्ली हाई कोर्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। समझ गया ना? सुनना, तुझे इससे बढ़िया लड़की नहीं मिलेगी, इसे पसंद कर और सेटल हो जा। ए, वो तेरे कपड़े इस्त्री करी, तुझे तभी समझ जाना चाहिए था। हे पार्थिव, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मेरे इतना करीब आने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे सिर्फ मीरा का ये करना पसंद है। अरे यार, तू फिर से शुरू हो गया। मीरा की शादी हो चुकी है। वो चैप्टर खत्म हो गया है। तू आखिर कब तक मीरा के नाम की माला जपता रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक हीरोइन हो और एक मासूम लड़के को यहाँ लेकर आई हो। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? लक्ष्मण है ना बाहर। उप्स। ओ या। आदि, ओह आई लव यू। आदि। ए। आदि, आदि क्या हुआ? मैडम, 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 आप अंदर बैठिए। लक्ष्मण हटो यहाँ से। आदि, मैडम। What happened? मैडम, सुनिए। मतलब, तुमसे कहा था ना 2 साल से प्यार में हूँ। तो फिर ये आई लव यू सब क्या है? बकवास। ची। आदि, चलो कार में बैठकर बात करते हैं, प्लीज। ए, हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला। हमारे बीच ये लव क्यों ला रही हो? इंटेलिजेंस जीरो है क्या? Why you being so bloody emotional? आदी? देखो ना, अब मैं तुमसे मिलूंगा ना तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। I'm done with your shit. अच्छा, really? एक बात सुन लो आदित्य, वो लाइफ मीरा के साथ ही खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मैडम, लक्ष्मण जाओ यहाँ से। एक बात सुन लो आदित्य, वो लाइफ मीरा के साथ ही खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है?
हेलो हेलो सर, हॉस्पिटल से तुलसी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो तुलसी। सर प्रभु सर का एक केस है, इमरजेंसी है सर। ए तुलसी आज मेरी छुट्टी है यार। जानती हूँ सर, पर हेलो सर यहाँ कोई नहीं है सर। तुलसी सर इमरजेंसी केस है सर। ए तुलसी नहीं, मैं सर्जरी करने की हालत में नहीं हूँ तुलसी, कल देख लेंगे। सर सर प्लीज सर, चाहिए तो मैं आपका पैक तैयार करके रखूंगी। बहुत क्रिटिकल है सर, पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, वो मर सकता है। ठीक है फॉलो द बेसिक्स, पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। तुलसी जी सर, क्या ये सब, व्हाट हैपेंड? ये ऑर्बिट हॉस्पिटल के रेपुटेशन का मामला है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा जिसने ये सब किया है। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अपने फेवरेट डॉक्टर को बोल देना मैं उसे कोर्ट में मिलूंगा। मैं यहाँ से सीधा जाएंगी तो 1709 फर्स्ट में। ओके थैंक्स। ए तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूं। सिगरेट है क्या? सिगरेट आदित्य। हेलो हेलो आंटी, कैसा है बेटा? अरे पार्थिव, लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब आपकी आपकी बॉडी वार्निंग देती है कि इसकी क्षमता खत्म हो रही है, तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। लेकिन पर ये वो तो किसी की सुनता कहाँ है सर? उसे सुनना होगा नहीं तो वो मर जाएगा। बहुत पीता है ना? क्यों बेटा? हाँ माँ, मैं डेली पीता हूं, उससे आपको क्या? मुझे ऐसा ही रहना पसंद है। Just let me be. जब देखो तब सवाल करके परेशान करते रहते। ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? Is this how you handle a sensitive issue? Let's face facts. डॉक्टर आदित्य वर्मा हमारे कॉलेज का टॉपर है। वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है सेंट पैट्रिक्स का। हाँ वो थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन अल्कोहल और ड्रग्स वो ऐसा नहीं कर सकता। एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर होना इतना आसान है क्या? बट इंडियन मेडिकल काउंसिल। क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल? इंडियन मेडिकल काउंसिल डॉक्टर्स के लिए है, ये हमारी आपस की बात है, नॉट फॉर मीडिया एंड पॉलिटिक्स। दादी माँ, कल तक आप मुझसे पूछ रही थी कि वो कहाँ है, अब जब आप जान चुकी हैं कि वो कहाँ है तो आप जाती क्यों नहीं? मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, मुझसे ये नहीं होगा बेटा। मत देखिए, एटलीस्ट फोन पर तो बात कीजिए, आप उसे बुलाएंगी तो वो जरूर आएगा दादी माँ। सिद्धार्थ, जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं ना तो मरना अलग बात है पर छोड़कर जाना अलग। फर्स्ट केस में वो इंसान वापस नहीं आएगा ये सोचकर हम अपने दिलो दिमाग को मना लेते हैं, मेरी तरह। सेकंड केस में हम आसानी से इस बात को नहीं मानते, इट्स वेरी पेनफुल, आदित्य की तरह। मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ लेकिन उसका दर्द शेयर नहीं कर सकती, वो तो उसे अकेले ही सहना पड़ेगा। हाँ तो उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? सफरिंग इज वेरी पर्सनल सिद्धार्थ, लेट हिम सफर।
आदि, मिस्टर अनंत नायर एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, यही तुम्हारा केस हैंडल करेंगे। और अगर तुम इसे बार बार केस केस मत कहो जैसे कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरी नजर में यह केस है ही नहीं। उस दिन इमरजेंसी में कोई नहीं था, इसीलिए मैंने जाके हैंडल किया। वैसे भी पेशेंट अभी जिंदा है ना? ऐसे केस में पेशेंट जिंदा है या मुर्दा यह मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट यह है कि उस केस में सर्जन तुम हो। सर्जरी के वक्त अल्कोहल कंज्यूम किया है वो परमिसेबल लिमिट में था या नहीं था, मुद्दा यह है। यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस मेडिकल नेग्लिजेंस केस में बदलेगा। स्वादित्य, टेल मी, उस दिन तुमने कितना पिया था? क्रिमिनल नेग्लिजेंस सर, उस दिन हॉस्पिटल में मैं किस कंडीशन में गया मुझे ही पता है। आई हैड लॉस्ट मोटर कंट्रोल, किसी तरह बस बात कर पा रहा था। मैं चेयर में बैठा और हेड नर्स को गाइड करके सर्जरी करवाई। अगर उस दिन वहां नहीं गया होता तो पेशेंट मर जाता। मेडिकल नेग्लिजेंस माय फुट। वो हम लोगों ने भी सुना और हमें समझ में आता है। आर यू अ सर्जन? सिड, ये आदमी हमारे ही साइड है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? आई डोंट लाइक हिज इंटरोगेशन टोन। आदित्य प्लीज, ये केस बहुत दूर चला गया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल भी इन्वॉल्व है। सिड, आई नीड अ बेटर लॉयर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुझे गिल्टी प्रूफ करने में लगी है। एज अ वुमनाइजर, एज अ ड्रग एडिक्ट, एज एन अल्कोहलिक वुमनाइजर, फॉर गॉड सेक, ऑलरेडी टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह बात चल रही है। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए ताकि तुम्हें इससे निकाल सकूं। आदित्य, तू सुन रहा है? प्लीज यार, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्लीज यार, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ये आई विटनेस मटेरियल है, इसमें तुम्हारे पेशेंट्स ने साइन किए हैं कि तुम वंडरफुल सर्जन हो। ये कुल 484 रेडियोग्राफ्स हैं। योर टोटल वर्किंग डेज आर 214। टोटल काउंट ऑफ सर्जरी आर 486। उसमें से एक दो केस आउट ऑफ स्टेशन है, बट आपके हॉस्पिटल लॉगबुक में एंट्री की हुई सर्जरी के केसेस 300 है। लॉगबुक झूठ बोल सकता है लेकिन रेडियोग्राफ्स नहीं, क्योंकि हर रेडियोग्राफी में डॉक्टर आदित्य वर्मा यानी तुम्हारा ही नाम दर्ज है। आई कैन गिव यू द बैकअप ऑल्सो। प्लस ये है कि पेशेंट अभी तक जिंदा है, सो हम उसे कुछ पैसे देकर मैनेज कर सकते हैं, इट्स सो इजी। माइनस ये है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है जिसमें अल्कोहल लेवल 140 प्लस आया है, एंड यू आर हाई ऑन कोकीन। तो अब हम क्या करें? गुड क्वेश्चन। हम उस ब्लड टेस्ट में प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, फिर फॉर्मल टेस्ट लेवल में वेरिएशन होने की वजह से रिजल्ट गलत है ऐसा कहकर ब्लड टेस्ट को इनवैलिड कर सकते हैं। खास बात यह है कि 184 सर्जरी केसेस की लॉगबुक में एंट्री ही नहीं है जो तुम्हारे द्वारा की गई है। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट विल फील गिल्टी। आदित्य, वेरी सिंपल, नीटली शेव करके अच्छा सा पैंट शर्ट पहन के शांति से आ जाओ और उस दिन तुमने जो बोला है वही बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी मैं देख लूंगा। ओके सिद्धार्थ, मैं चलता हूं। ओके, बाय। मैं आता हूं सर। इस केस को हमने ऑलमोस्ट विन कर लिया है, मुझे बस यही चिंता है तुम्हारे भाई के एग्रेसिव माइंड की। सिद्धार्थ, हमारे डेमोक्रेसी में ऐसे नेचर वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तुम अभी चाहे जितने पैसे देकर मैनेज कर रहे हो, लेकिन उस मैनेज को अपने फेस पर कभी मत दिखाओ। ओके, बाय। थैंक यू। आदि, 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 आदि। ए पार्थिव, कहाँ है रे? ए, ए,
आदि, ए, ए, आदि, 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 इधर देख, आदि, 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 उठ, उठ, उठो उसे, आदि, आदि, अरे यार, आदि, आदि, आराम से, इधर उठो, आजा यार, इधर, 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 उठा लो, ए आदि, 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 हे, हे, आदि, हे, आदि, हे आदि, क्या कर रहा है यार? क्या यार? हे, हे, ये सब क्या? ए आदि सब कुछ खत्म हो गया। ए पार्थिव क्या कर रहा है? खत्म हो गया। ये सब क्या पार्थिव? अरे तो चुप होना। ए आदि, आदि इधर देख। ए उठ जा। ए आदि, ए ए ए देख रही इधर। खींच खींच, चल खींच। ए जल्दी खींच, खींच, खींच ना। आराम से, आराम से। अब कैसा है वो? अब ठीक है। हे, तेरे भाई ने कितनी तकलीफ से तेरे लिए इनकोर्ट हाउस हियरिंग रखी है। तैयार हो जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश कर। अब पीने के बाद नॉर्मल कैसे रहते हैं ये तू मुझे सिखाएगा? ए, 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 पैंट भी तो पहन ले। मैडम, इनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। इनके डर से हॉस्पिटल की नर्सें भी इनको लीकर सर्व करती हैं। इनफैक्ट सर्जरी ड्रेसिंग रूम में भी काफी सारे ड्रग्स पाए गए हैं। ये सबके साथ रूडली बिहेव करते हैं। ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली, पर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन बता रही है। आपको प्रूव करना होगा। इस तरह इमोशनल स्टेटमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। 300 रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्टिमोनीज हमें मिले हैं पेशेंट्स के, और मैंगलोर के सेंट पैट्रिक्स मेडिकल कॉलेज के डीन का रिटेड डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, एक्सप्लेनिंग हिज सिंसियरिटी एंड एफिशिएंसी। हे पार्थिव, कॉन्वोकेशन में जो शपथ ली थी वो तुझे याद है क्या? अब ये केस तेरे फेवर में ही है, इसे खराब मत करना। लेकिन ये गलत है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए। मैम। सिद्धार्थ, क्या है ये सब? कितना पैसा दिया तूने इन्हें? आदित्य शांत, ये तो पापा को देखना, पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? जरा चुप हो जा। यार मैंने गद्दारी की है अपने प्रोफेशन से। प्लीज यार बात मान। अगर आज पैसे खिलाकर केस जीत भी जाऊंगा तो डॉक्टर के नाते मैं काम कैसे करूंगा? शट अप आदि। आई कांट डू दैट। आई बी लिविंग अ लाई। कुछ मत बोल, मेरी बात सुन प्लीज। प्लीज अगर मैं अभी जेल चला जाऊंगा तो तेरी इज्जत कम हो जाएगी। बोल प्लीज यार, चुप हो जा। तू ऐसे ही सोच रहा है ना? प्लीज स्टे क्वाइट। इसीलिए तू ये सब कर रहा है ना? साइलेंस। डॉक्टर आदित्य शर्मा, अगर आपने अब कुछ बोला तो हमें मजबूरन आप पर एक्शन लेना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सिर हिलाना काफी नहीं है, यू हैव टू से यस। आई अंडरस्टैंड। तुमने जब सर्जरी की थी तब टाइम क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। तुम किस तरह का केस हैंडल कर रहे थे? Can you explain that in detail? Road traffic accident case था, multiple fractures. Patient was a diabetic, long history of asthma. Patient का नाम शंकर है, age 58. Good. आपके opposition वालों का कहना है कि आप उस वक्त होश में नहीं थे
और आधे होश में आपने हेड नर्स को डायरेक्ट करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके सर्जरी की, क्या ये सच है? यस। नाउ टेल मी डॉक्टर आदित्य, क्या उस दिन तुमने सर्जरी के पहले किसी तरह का नशा किया था या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम किया था और एनी अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? नहीं लिया पॉल। आई रिपीट द क्वेश्चन, क्या तुमने किसी तरह का ड्रग्स लिया था या अल्कोहल कंज्यूम किया था सर्जरी के एक दिन पहले? Yes. क्या तुमने सर्जरी के दिन शराब पी थी? Yes, I was drunk. उसके अगले दिन भी पी थी मैंने। मैंने नशे में ही सारी सर्जरीज की हैं। और मैं इस वक्त भी नहीं। इस वक्त भी नशे में हूं। Yes, I'm an alcoholic. I have a drinking problem. आदि, आदि, लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचा है। And I'm proud to say it. I'm good at what I do, goddammit. लेकिन पेशेंट का डॉक्टर पर भरोसा होता है, वो मैंने तोड़ दिया है। And I do not deserve to be a doctor. इसको हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेक दैट क्लियर। आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू से। अगले 5 सालों के लिए तुम्हारा लाइसेंस सीज कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर तुमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 3 ईयर्स। Dad, I'm sorry. Sir, I'm sorry, yaar. Section 269 of the IPC, causing hurt by act endangering lives or personal safety of others. चुप नहीं रह सकता था। Whoever causes hurt to any person क्या जरूरत थी? By doing any act so rashly or negligently has to endanger human life for the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend 3 years or with fine which may extend up to 500 rupees or with both. चलो मीरा। अरे तू फिर से पीने लग गया है क्या? हाँ तो इसी में मजा है। भाई वैसे मैं ये पूछना चाहता था कि सारा सामान कहाँ है? सब बेच दिया क्या? तेरी दीदी की पुण्यतिथि के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए बेचना पड़ा। ए, लगता है यार। ए, अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो फिर मुझे बोल देता ना। पार्थिव पैसे अंदर रख। अरे मैंने तुझसे कई बार पैसे लिए, वो समझ के रख ले। ए, उस दिन तेरे घर पे खाना खाया ना उसी का हिसाब रख ले। ज्यादा नाटक मत कर, ये ले पकड़। ए, क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। हेलो मिस्टर,
कोई है कि नहीं? यहां का एसी, अरे मेरा फ्रिज कहाँ है? अरे फर्नीचर, ए मेरा सामान कहाँ है सब? हेलो, क्या चल रहा है इधर? यहां से निकलो, निकलो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। गेट आउट। तुम्हें कल एक जगह दिखाऊंगा ब्रो, तुम आज की रात वहीं सो जाओ। ओके ब्रो। ब्रो यहाँ पे सो जाओ, बहुत अच्छी जगह है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुबह तुम्हें एक अच्छी जगह सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? सर क्या हुआ? आपके दोस्त यहाँ नहीं है, खाली करके चले गए। कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता सर। अरे भाई पैसा तो देकर जाओ। प्रभु इसको क्या बोल रहा है, मेरे अकाउंट में लिख ले। ए, तू खुद फोकटिया है। ए भाई दो चाय, दो दिन ब्रो फिर घर सेट हो जाएगा। टेंशन मत लो ब्रो, मैं हूं ना, हम लोग एक ही टीम में है। अरे यम्मा 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 ये खूबसूरत। अरे चाय आ जाएगा कि नहीं? ए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ? बेवकूफ कहीं का है ब्रो। ए चल निकल निकल। भाई दादी माँ अब नहीं रही। बेटा बैठ जा। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। पापा कहाँ है? माँ वो वहां पर है। पापा आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? पापा 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 आई कैन अंडरस्टैंड पापा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दादी के गुजरने का सबसे ज्यादा दुख आपको है पापा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा। दादी के जाने से ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई है, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। पापा लाइफ में पैदा होना, प्यार होना, वापस जन्म लेना और फिर से मर जाना, बस 10% होते हैं ये इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। बाकी 90% तो इन मोमेंट्स के लिए हमारे रिएक्शंस हैं। पापा ये आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पापा उठ जाइए प्लीज, आपसे मिलने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा प्लीज आप मेरी बात मानिए और अंदर चलिए। उठिए ना पापा, प्लीज मेरी बात मानिए, उठ जाइए। चलिए चलिए मेरे साथ आइए, आइए पापा मेरे साथ चलिए। इट्स ओके पापा, आइए। दादी माँ का फेवरेट सॉन्ग है। आराम से आराम से आराम से आराम से। देखो बॉडी को संभाल के,
बॉडी को संभाल के। ये बॉडी कौन बोला? हाँ? आदि शांत रहे। कोई बात नहीं बेटा, दे। काफी दिन हो गए, कॉलेज में मैं ऐसे ही पीता था, ये ले। नहीं पापा। आदित्य, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट द गुडबाय दैट हर्ट बट द फ्लैश बैक इट्स फॉलो। ये तेरे लिए बहुत सिंपल लगेगा लेकिन इसमें काफी सच्चाई है। आई थिंक ये समझने का टाइम आ गया है। पापा, आई एम सॉरी। मैं आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। इट्स ओके आदित्य, मैं समझ सकता हूं। व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक? आई थिंक यू डिजर्व इट। कम बैक, नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी काफी लंबी है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। भैया यू टर्न लेना। यूरोप आया है, एक फोन नहीं कर सकता था क्या? मैं जहां रहता हूं यहां से 2 घंटे का रास्ता है। मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता। अच्छा, तेरी मर्जी। वैसे यहां क्या कर रहा है? तरुण, यहां आने से पहले मैंने मीरा को देखा, मुझे लगता है शी वाज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो फिर वो खुश नहीं है यार, उसे देखते ही मैं समझ गया। ठीक है यार, उसकी शादी जबरदस्ती करवा दिया, ओके, लेकिन प्रेगनेंसी? तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ए, वो मेरी है यार, वही है, वही मीरा। उसकी शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ बदल जाएगा क्या? आदि, जो बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है ना। मैं आज रात वापस जाने वाला हूं, उस दिन मैं नशे में था, सब गड़बड़ कर दी। आज पूरे होश में हूं, अब भी बोल रहा हूं, मीरा मेरी है, उसे मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता।
ए, मीरा की शादी हुए 9 महीने हो गए, अभी वो किसी और की बीवी है। बड़ा तरीके से बात करना, पुराने स्टाइल में बात मत करना, समझा? अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना, उधर देख रहा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो हड्डी पसली तोड़ देगा, समझ गया ना? देख मीरा आ गई। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो। मीरा बेबी, तुम गुस्से में हो, मैं समझ रहा हूं। बेबी प्लीज, बेबी एक बार मेरी तरफ देखो। आंटी थोड़ा सा पानी दीजिए। मीरा, मीरा प्लीज। बेबी व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? ठीक है मुझसे बात मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों सुनना होगा? उस दिन मैंने कितना कहा था पर तुमने सुना, तो अब मैं क्यों सुनूं? चले जाओ यहां से, जस्को। मैं जाने के लिए नहीं आया मीरा, तुम्हें साथ ले जाने आया हूं, चलो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? बेबी प्लीज, प्लीज जस्ट स्टे अवे। बेबी ये सब क्या है? बेबी हम दोनों ही खुश नहीं है, मेरे साथ आओ, हम साथ रहेंगे। मैं खुश हूं या नहीं ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? बेबी हम दोनों अलग अलग रहकर खुश नहीं रह सकते, आई नो दैट। मैं खुश हूं। तुमने मुझे कहा था ना किसी भी लड़के से शादी कर लो, याद है ना तुम्हें? थैंक यू सो मच, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? जाओ यहां से, जाओ। बेबी बार बार जाने के लिए मत कहो, चलो मेरे साथ। उस दिन तुमने मुझे टाइम दिया था ना 6 घंटों का, याद है? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? उन 6 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई आदि। औरतों के लिए घर में कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। सब कुछ पार करके मैं उस रात तुम्हारे घर आई थी, तुमसे मिल नहीं पाई। मैंने ये भी सहन कर लिया, उम्मीद कर रही थी कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और सब कुछ खत्म होने के बाद 2 दिन बाद तब भी तुम शांत बैठे रहे, तुम सब कुछ भूल गए। नहीं मीरा, तुम उस दिन आई थी ये उसे पता नहीं था, प्रॉमिस। तुमने फोन नहीं किया इसलिए साइको हो गया और मॉर्फिन इंजेक्शन लिया जिसका ओवरडोज हो गया। देयर वेरी होपलेस सिचुएशन दैट नाइट, जस्ट मिस हो गया वरना मर जाता। 2 दिन के बाद होश में आया और इस बीच तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे भाई की शादी हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ, जब उसे होश आया तो तुम्हारी शादी के बारे में सुना। उसके अगले पल इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया, वो हॉस्पिटल में काम करते हुए अकेले रहता था। वो घर भी तब गया जब उसकी दादी मर गई। ये सारी बातें तुम्हें नहीं पता है। मैं उस दिन इतना दूर आया था मीरा, लेकिन तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा। कितने दूर थे? हिमालय पर्वत पर थे क्या? बोट क्लब से आरडीआर बस इतना ही ना? और मैं क्यों देखती? वैसे भी तुम आए क्यों थे वहां? मार खाने? प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑल दैट, जस्ट गो। बेबी प्लीज, प्लीज काम डाउन। ठीक है मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दो। पूछो। मेरे साथ आने से तुम्हें कौन रोक रहा है? यही ना? दिस मीरा, दिस इज जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। ओह रियली? मीरा मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कह रहा हूं मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सोसाइटी, हमारी फैमिली, ये फ्रेंड्स, सबके सब भाड़ में जाएं। मीरा इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरे साथ चलो। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और जब ये बच्चा पैदा होगा ये पापा किसे बोलेगा? मुझे बोलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे पास तो तुम्हारी हीरोइन है, तुम्हें जो प्यार करते हैं उन्हें भूलने के लिए तो तुम्हारी शराब है,
और ड्रग्स भी। अब जाओ यहां से। नहीं मीरा, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ए पार्थिव, मीरा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करता, मैं अभी जाकर उससे मिलता। तुम एक बार हां तो कहो प्लीज। सामने आओ, बैठो। कम क्लोजर। बेबी, तुम मेरे बिना इतने दिन कैसे रह गए बताओ। शादी होने के तीसरे ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज थी। I was so angry with you। मैंने मम्मी पापा से भी मुलाकात नहीं की। यहीं पास के हॉस्टल में रहकर क्लिनिक में काम करने लगी। मेरा गुस्सा कुछ बात कम हो गया। मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सोचा और फिर मेरा पीरियड्स होना बंद हो गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और फिर मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती थी। फिर मैंने पेपर और मीडिया में उस हीरोइन के साथ तुम्हारे रिलेशन के बारे में पढ़ा। मैं बहुत अपसेट हो गई। जानते हो, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे और आज तुम मेरे सामने हो। आदि, मैंने अपने पति को खुद को छूने तक नहीं दिया, अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। आदि, दिस इज नॉट जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, दिस इज योर बेबी, ये है शादी। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हें बता ही नहीं पाई। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, यहां तक कि मम्मी पापा को भी नहीं। I wanted to tell you first। बोलो। I'm pregnant। You'll be a father soon। I'm pregnant। We'll be parents soon। आदि। आदि। तुम पर मैं कितना गुस्सा हूँ पता है? सोचा था कि इस जन्म में कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे शादी कर लो आदि, आज अभी इसी वक्त। कॉन्ग्रेट्स आदि। आइए ना। सारी गलती मेरी थी। तुम दोनों का प्यार कितना पवित्र था यह बात मैं समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। जानता हूं माफी के काबिल नहीं हो, बस इतना ही कहूंगा।
हमेशा खुश रहो। अरे तुमने मेरे टीके नहीं लगवाए? अच्छा है ना? ठीक है। इसके भी शादी करवा दो जल्दी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ओके गाइस, जरा एक दूसरे के पास आओ। हाँ